मतदान की पूर्व रात्रि में कोतमानपा में दो गुटों में हुई झड़प, हाथापाई के बाद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने जैसे बने हालात। देर रात तक सड़कों में पब्लिक ने किया हंगामा। कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मतदान की पूर्व रात्रि 26 सितंबर को देर रात भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, जहां दो गुटों में हाथापाई और मारपीट हुई। जिससे कोतमा थाना क्षेत्र के हालात बेकाबू हो गए थे। देर रात तक पब्लिक द्वारा सड़कों में हंगामा किया गया। पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नारे लगाए गए। वहीं कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों द्वारा भाजपा के प्रत्याशी के पति और उनके समर्थकों के गिरफ्तारी की मांग की गई। देर रात तक बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, भारी पुलिस बल और SISF ने संभाला मोर्चा। पुलिस के समझाए और विधायक के सहयोग के बाद देर रात सुधरे हालात। इसके बाद दोनों पक्षों के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।